न्यू ईयर पार्टी। चंदानगर गांव में धर्माराम नाम का एक बूढ़ा टांगा वाला रहता था। वो बेचारा अंधा था, लेकिन उसका घोड़ा बहुत होशियार था। कभी कभी जब धर्माराम ना भी होता तो वो सवारियों को शहर तक ले जाकर वापस लौट जाता था। लोग बाद में धर्माराम को पैसे देते थे। एक बार उस गांव में दो चोर अरबी व्यापारी बन के ऊंट पर बैठकर आए। उनका नाम था कालिया और ढोलिया। गांव वालों के समक्ष में वहां का जमींदार, आप लोग बहुत दूर से हमारे गांव आए हैं, आपका स्वागत है। वैसे आप लोग यहां किस काम से आए हैं बता सकते हैं? आदरणीय जमींदार जी और गांव वालों, आदाब। हमारे मुल्क में हमारा बहुत सारा पेट्रोल का कुआं है, हमने अरबों रुपए कमाया है, पर क्या फायदा, हम एक भी नेक काम नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ आए। हमारे साइंसदानों ने बताया है कि इस इलाके में पेट्रोल मिलने का आसार है। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग भी हमारी तरह करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपको एतराज ना हो तो हम यहाँ कुछ दिन रहकर पेट्रोल कहाँ मिलेगा ये जांच करके बताएंगे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम क्यों मना करेंगे? आइए, आप जितने दिन चाहें हमारे घर ठहरें। लगता है भगवान ने ही आपको भेजा है। यूं वे दोनों गांव और उसके आसपास जगह जगह मिट्टी की जांच करने का नाटक करते हुए लोगों को यकीन दिलाया। एक दिन एक जगह वे जांच कर रहे थे कि एक आदमी ने आकर, सर एक बार मेरे खेत में आकर देखिए, वहाँ पेट्रोल निश्चित रूप में होगा। अरे तुम ठहरो भाई, सर हमारे खेत में आजकल पेट्रोल की बू आती है, मेहरबानी करके वहाँ चेक कीजिए सर प्लीज। अरे आप लोग हड़बड़ी ना करो, वे एक के बाद एक जगह जांच कर रहे हैं ना, सब्र करो। ऐसे तंग करोगे तो वे नाराज होकर चले जाएंगे। कहीं भी पेट्रोल निकले 20% कमीशन मेरा होगा, याद है ना सबको। एक दिन कालिया, मेरे प्यारे गांव वालों, आज 31 दिसंबर है, कल से नए साल में दाखिल होंगे, इसलिए आज आप सबको नए साल का जश्न में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। गांव का हर एक शख्स को पार्टी में आना होगा। उसके बाद एक बड़ा केक लाकर उसमें बेहोशी की दवा छिड़क दिया। बाद में सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहके नाचने लगे, पटाखे भी जलाए। कालिया ने केक काट कर सबको खिलाया। बस धर्माराम के साथ साथ सभी बेहोश होकर गिर गए। उन दोनों ने तुरंत गांव के सारे पैसे और गहने लूटकर धर्माराम के टांगे में डालकर गांव छोड़कर निकल गए। यूं रास्ते में जाते हुए, वाह हम कितना खुशकिस्मत हैं यार, काफी सोना है, ये गांव वाले हमारे बातों में आ गए, बेवकूफ। ठीक है शहर आने में अभी काफी समय है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? वो देखो उस बॉक्स में कुछ खाने के लिए लाया हूँ, तुम खाओ और मुझे भी दो। यूं दोनों ने चिकन लेग पीस खाने लगे। अरे ये क्या आंखें चकरा रही हैं? हमने तो सिर्फ केक में वो बेहोशी की दवा छिड़का था ना। अरे मैं बताना भूल गया, केक सबके लिए कम पड़ रहे थे तो इसमें भी मैंने दवाई छिड़क दिया, बताना भूल गया कहकर दोनों बेहोश हो गए। घोड़ा शहर तक जाकर गांव लौट आया। तब तक गांव वाले इस लूट के बारे में जान गए और उनके लिए तैयार खड़े थे। बस फिर सब ने मिलकर उनकी खूब धुनाई की। बस ड्राइवर। एक गांव में राजा राम नाम का एक धनवान रहता था। उनकी पत्नी थी सुजाता, उनका बेटा था तुकाराम। एक बार तुकाराम की शादी तय हुई तो राजा राम ने गांव में कार्ड बांटने लगा। एक शादी 4 जनवरी को है बदलापुर में, आपको अपने परिवार के साथ जरूर आना होगा, भूलना नहीं कहकर कार्ड दिया। अगले दिन एक व्यक्ति राजा राम के पास आया, राजा राम से अपने आने का कारण बताया।
अच्छा तुम बस ड्राइवर हो, चारी ने तुम्हारे बारे में ही बताया। बस सुविधाजनक है ना, परसों शादी है, कल सवेरे हमें जाना होगा, बदलापुर जाना है, शाम को पहुंचना है, कितना लगेगा? साहब बस बहुत बढ़िया है, चारी साहब ने आपके पास भेजा है, क्या आपसे ज्यादा लूंगा? वैसे तो 10,000 लगेगा, पर आप 8,000 दे दें। ठीक है, कल सवेरे 8 बजे तक बस आ जाना चाहिए, देर ना करना, दूल्हा देर से गया तो ठीक नहीं है। वो ठीक है कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद राजा राम के घर के बाहर एक बस आकर रुकी, उसमें से एक व्यक्ति उतर कर राजा राम के पास आया। साहब मेरा नाम तोताराम है, मैंने नया बस खरीदा है, ये जानकर कि आपको बस की जरूरत है मैं आपके पास आया हूँ। अरे अभी एक बस तय किया है 8,000 में। 8,000? मैं 4,000 ही लूंगा, मैं कस्टमर की तसल्ली को ही महत्व देता हूँ, पैसों की लालच नहीं है, बस बहुत बढ़िया है, चाहे तो आप खुद ही देख लो। उसकी बातों से राजा राम ललचा गया। ठीक है कल सवेरे चलना है। बेटा उसे कोई बहाना करके कैंसिल कर दो। अगले दिन सवेरे सब बस में चढ़कर बैठ गए। ड्राइविंग सीट में बैठा तोताराम गाने लगा। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या। ये क्या, ऐसे शुभ अवसर पर ये बकवास गाने गा रहे हो, बंद करो, चलो देर हो रही है। सब बैठ गए ना, ठीक से देख लो, मैं भी बैठा कि नहीं देख लो। तुम बैठे तो हो, अब देखना क्या है, सब बैठ चुके, अब चलो। बस वहां से चली। बस धीरे से जाने लगी तो साइकिल और बैलगाड़ी भी उससे आगे निकलने लगे। ये क्या इतना धीरे चला रहे हो, ऐसे चलोगे तो कल पहुंचेंगे। बस फिर क्या, गाड़ी तेज रफ्तार से जाने लगी, ओवरटेक करते हुए आड़ा तिरछा चलाते हुए आगे बढ़ने लगी। एक जगह ट्रेन की पटरी को पार करते हुए ट्रेन से टकराते टकराते बची। अंदर सब डर के रोको रोको अरे रोको कहकर चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद तोताराम ने बस की गति कम किया। ये क्या, मैं धीरे चला रहा था तो आपने ही तेज चलाने को कहा, मुझे कंफ्यूज मत करें। अरे भाई मेरे, मीडियम स्पीड से चलो, वही बहुत है, वैसे यूं चलाने की वजह से हमें टॉयलेट जाना है, जरा रोकना। लेकिन वो बस ना रोक कर, यहाँ जाओगे तो पर्यावरण दूषित होगा, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है, मैं जहाँ रोकूं वहीं जाएं। उसके बाद वो एक गांव में भीड़ में बस को रोक कर, हाँ यहाँ चौपाल के पास जाकर लघु शंका करें, ठीक होगा। अरे मूर्ख, सारा जंगल छोड़कर यहाँ लोगों के बीच में करने के लिए कहते हो, किसी ढाबा के पास रोको, हम वहीं कर लेंगे। बस एक ढाबा के पास जाकर रुकी। सब बाथरूम जाओ, उसके बाद भोजन करके ही चलते हैं। इस तरह उन्होंने भोजन किया। उसके बाद वे सब बस चढ़ने ही वाले थे कि वहां से तेजी से चली गई। रोको रोको कहकर बस के पीछे भागने लगे। एक घंटे बाद बस वहां लौटी। ये क्या, आप लोग चढ़े नहीं, मैं समझा आप लोग बैठ गए हो इसीलिए चला गया, ठीक है चलो चलो। फिर बस चलने लगी। वो एक जंगल के रास्ते से जाने लगी। ये क्या, कोई और रास्ते से जा रहे हो, ऐसा क्यों? ये शॉर्टकट है, सोचा जल्दी ले चलूं। उसके बाद बस एक तालाब में उतरकर जाने लगी। बस तकरीबन डूबती ही जा रही थी। अंदर सब डरकर पानी पानी अरे रोको पानी कहकर चिल्लाने लगे। ये क्या, आप हर बात पर टेंशन लेते हो, वहाँ जाने के बाद स्नान करना पड़ता ना, टाइम वेस्ट क्यों करें, यूं सोचकर यहीं आप लोगों को स्नान करा दिया।
एक जगह बस रोक कर। मुझे बाथरूम जाना है, अभी आता हूँ। जब हमने रोकने के लिए कहा तो पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे थे, अब तुम जाओगे तो ये नहीं होगा। गुड क्वेश्चन, वो सिर्फ यात्रियों के लिए है, ड्राइवर के लिए नहीं। कहकर चला गया। वो बहुत देर होने पर भी नहीं लौटा, अंधेरा हो गया। वे नहीं जानते थे कि वो बस के ऊपर सो रहा था, वे भी बस में ही सो गए। सवेरा होने पर वो बस के पास फिर आया। क्यों भाई, ये रात भर कहाँ गए? दिमाग है? जानते नहीं कि सुबह होते ही शादी है? शाम के 7 बजते ही मैं जहाँ भी हूँ सो जाता हूँ, कल भी यही हुआ। सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है ना? क्या ये बात आप नहीं जानते? बाद में बस लड़की वालों के घर के बाहर आकर रुकी। वहाँ दुल्हन की शादी किसी और से हो चुकी थी। क्यों राजा राम, तुम्हारी अकल है या नहीं? मुहूर्त के टाइम से पहले ना आकर तुम कहाँ मर गए थे? क्यों, तुमने समझा कि तुम्हारे बेटे के सिवा मुझे और कोई दामाद नहीं मिलेगा? बारात लेकर आए थे। जाओ यहाँ से, कहकर चिल्लाया। इतने में एक एम्बुलेंस वहाँ आकर रुकी। उसमें से 2 वार्ड बॉयज और राजाराम ने जिस ड्राइवर से बात किया था वो सब उतरे। राजाराम जी, ये एक पागल है, पागल खाने से भागकर मेरा बस चुरा कर आपके पास आया। हाँ सर, पहले वो एक बस ड्राइवर था, एक एक्सीडेंट में उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई। राजा राम जी, चिंता ना करें, एक और शादी करेंगे तब भी मैं ही आपका ड्राइवर बनूंगा, पर जहाँ मर्जी मुझे बस रोकने के लिए ना कहना। चलो चलो, हम चलते हैं। यूं वो वैन में बैठकर चला गया। इसे कहते हैं पैसे बचाकर रिश्ता गंवाना। सही कहा ना?